वेलकम टू इन्फोटेक्स वाला प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक एकीकृत पेंशन योजना के बारे में जिसमें विधवा पेंशन विकलांग और वृद्धा पेंशन की जो भी राशि थी उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है तो आइए हम आपको लेके चलते हैं वेबसाइट पर वेबसाइट गूगल पर आ जाना है यहाँ पे हमें एस एस पी वाई टाइप करना है एस एस पी वाई टाइप करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक दिखेगी उस पर क्लिक कर लेना है क्लिक करते ही आप एस एस पी आई यू पी जी ओ वी डॉट इन की डैशबोर्ड पर आ जाते हैं यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि वृद्धा पेंशन निराश्रित और दिव्यांग पेंशन का जो राशि आई है उन्हें लिस्ट के माध्यम से घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं तो हमें इन चारों में से किसी भी एक पेंशन को चुन लेना है पेंशन चुनने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे पेंशनर की सूची दिखाई गई है जिसमें से 2022 और 23 वाली सूची को सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट करते ही एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे सभी जनपदों के नाम दिए जाएंगे उन अब जिस भी जनपद से हैं उस जनपद को सिलेक्ट कर लेना है जैसा कि आप देख सकते हैं जनपद जनपद सिलेक्ट करने के बाद आप विकास खंड के डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो गए हैं तो सभी विकास खंड यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं आप जिस भी विकास खंड से हैं उस पर क्लिक कर लेना है विकास खंड क्लिक करने के बाद आपके सामने नगरी और ग्रामीण क्षेत्रों के नाम आप खुलकर आ जाते हैं आप जिस भी गाँव से बिलोंग करते हैं उस गाँव को सिलेक्ट कर लेना है गाँव सिलेक्ट करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जैसा कि आप देख सकते हैं एक नया पेज ओपन हुआ है जहां पे, पे कुल पेंशनर्स की संख्या 111 दिखाई गई है गाँव का नाम ये जो दिखा रहा है बड़ा गांव है और इस कुल पेंशनर्स पर क्लिक करना है कुल पेंशनर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी पेंशनरों की लिस्ट खुलकर आ जाती है जैसा कि देख सकते हैं टोटल 111 मेंबर यहां पे हैं एक्टिव मेंबर हैं ये सब इन सभी का जो पेमेंट है रिलीज कर दिया गया है यहाँ पे नाम पिता का नाम आयु और मोबाइल नंबर के साथ साथ कितनी राशि इनके अकाउंट में भेजी गई है सारी राशि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट का नाम भी जान सकते हैं और मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर की लास्ट फोर डिजिट भी दिखाता है यहाँ पर जिससे हम सबको आसानी हो जाती है कि ये हमारा ही पेंशन है तो इस प्रकार आप घर बैठे बैठे अपने पेंशनर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद